लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मरना नहीं चाहती। बंद करो ये रोना धोना, चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ। मैं भी तुम्हारे जैसे शैतान के चक्कर में आ गया। जिंदगी में आज तक कभी झूठ नहीं बोला, आज तक कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, लेकिन तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मेरा फिक्र बच्चे, लेकिन मुझे क्यों हो गया? मैं उन्हें कभी नहीं देखूंगा, कभी नहीं देखूंगा। तुमने मुझे भी अपने जाल में लपेट लिया। गुप्ता जी, आप खाते हैं या पीते हैं? गुप्ता जी, आप मरते भगो मत। मैंने कुछ तुम लोगों को पिस्तौल दिखाकर काम नहीं करवाया है। तुम लोगों ने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से किया है। क्या अपनी मर्जी से किया है? यही ना के फादर बेनेवलेंट को धोखा देकर ये डबल एग्रीमेंट साइन करवाया? देखो साहब जी, आपको शिकायत करने का हक नहीं है। आपने होटल बनाने को कहा, हमने बना दिया। छगन पटेल, मैंने तुम्हें होटल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया था, चार सौ बीसी करने के लिए नहीं। देखो विजय बाबू, गाली मत निकालना। मैंने कौन सी चार सौ बीसी की आपसे? साहब जी, आप ही बताइए, मैंने कौन सी गद्दारी की? कब्रिस्तान में मैंने होटल बना दिया, तो कौन सी आप बता रही? ऐसे कितने कब्रिस्तान है, होटल बने हुए, घर बने हुए, लोग। तो समझ में नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। पहले डिसूजा की मौत हुई, उसके बाद जूडी, फिर लालवानी और आज कपूर। ये सब कुदरत का कहर है सूरज। पापी जब कानून की नजरों से बच जाते हैं तो कुदरत उन्हें सजा देती है, और मेरा तो दिल कहता है इन तमाम दुर्घटनाओं के पीछे कुदरत का ही हाथ है, सिर्फ कुदरत का और किसी का नहीं। मुझे यही रहने दीजिए, मुझे बाहर जाने से डर लगता है। छगन, रहने दो उसे, आधी जान उसकी ऐसे निकल चुकी है। चुप! ये साला कुबड़ा खुद तो डर रहा है, दूसरों को भी डराता है। निकल यहाँ से, निकल! नहीं छगन भाई, नहीं, निकल! नहीं, 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 निकल हरामजादे! छगन साहब, छगन भाई, छगन दादा,
दादा 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 भूत क्यों चिल्ला रहा है? अब तो ये भूत मुझे मार डालेगा, अब तो ये भूत मुझे मार डालेगा। ये दरवाजा बंद करके रखो। ये क्या हो रहा है? छगन भाई, वो शमशान की जान ले लिया तुम लोगों ने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुषमा, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। सुषमा, मुझे जाने दो। सुषमा, सुषमा, मेरी तौबा, कहाँ फंस गया? इस होटल में कभी नहीं आऊंगा। व्हाट अ लवली वेदर। मैं कौन हूँ? सांड। सांड नहीं, मैं तुम्हारे घर का रहने वाला हूँ। अरे छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा मैं। छोड़ो मुझे। कितने दिनों के बाद में मिलो ना मेरे को। छोड़ो मुझे। तुम्हें मेरा है नाथ, मैं पप्पी करूंगा तुमको। नहीं हूँ। मेरे मोचू 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 मोचू। छोड़ो। अरे फुकनी के, तू मेरी गोद में क्या करा रहे बैठ के? मैं तुम्हारी गोद में चार दिन से बैठा हूँ। लेकिन मैं तो बोला था कि अगर पांच साल तक मेरे को बच्चा नहीं हुआ तो मैं खुजली वाला कुत्ता अपने गोद में लूंगा। अब तू उठता है कि मैं तेरे को उठाऊं? हाँ, अगर मैं उठाया तो तेरे को बहुत तकलीफ हो जाएगी रे। उठा। माटी में, अयो मेरी मुच्छी कहाँ गई जी? मिया, अब मुच्छी की क्यों फिकर कर रहे हैं? वो तो हमारे घर की खेती है, कभी भी उग जाएंगी। अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा करो, हमारे खानदान की इज्जत बच गई है। सुषमा, क्या गुजरा हुआ जमाना वापस नहीं आ सकता? क्या बात है पार्टनर, आज बड़े चुप चुप हो। ऐसे ही यार, आज संजय का जन्मदिन है। वो हर साल कहीं भी होता है मुझसे आशीर्वाद लेने जरूर आता है, लेकिन आज नहीं आ पाएगा, रास्ता जो बंद है। वंदना, ये तुम्हें कहां से मिला? यहीं पे झाड़ियों में पड़ा था। ये तो संजू का है। यहाँ एक बाबू आए थे, गोरे गोरे से, लंबे से, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैंने उन्हें ये बजाते हुए देखा था। सूरज, संजू से इतना प्यार करता है, वो इसे छोड़ के जा नहीं सकता। हो सकता है उसकी जेब से गिर गया हो। नहीं सूरज। छगन भाई, मैं अंदर आऊं?
तुम फिर आ गए यहाँ? छगन, इन्हें अंदर आने दो। चुप रहो तुम। तुम चुप रहो। आज तक तुम बोलते रहे और मैं सुनती रही, अब मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे। चुप हो। चिल्लाओ मत। अब तक मैंने तुम्हें साथ दिया, वही किया, वही बोली जो तुमने चाहा, लेकिन तुम मुझे कहाँ ले आए? डर के सुनसान जंगल में, जहाँ दिन के उजाले में सुनाई देती है डरावनी चीखें और रात के अंधेरे में नजर आती है मौत की भयानक शक्लें। छगन पटेल, हराम जादे। बाजा, वही बाजा, ये बाजा तो संजय बजाया करता था। संजय बाबू, मैंने कुछ नहीं किया। विजय बाबू, आप? संजू कहाँ है? कहाँ है संजू? मुझे नहीं मालूम, आप छगन सेठ से पूछिए। छगन, मेरा भाई कहाँ है? वो तो सब्जी आके चला गया था। कहाँ है संजय? साहब जी, मुझे मालूम नहीं। बता संजू, बताओ कहाँ है संजय? अरे साहब जी, बोलो, मुझे मालूम नहीं। यहाँ ठहरिए, मैं बताती हूँ संजय कहाँ है। कहाँ है? अंदर। संजू, 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 कहाँ है मेरा भाई? जहाँ आप खड़े हैं, उस जमीन के नीचे। क्या भक्ति हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ, संजय मर चुका है। नहीं। मर चुका है। नहीं, नहीं, मेरा भाई मर नहीं सकता। नहीं सूरज, मेरा भाई मर नहीं सकता। सूरज, नहीं। विजय, देख सूरज, अपना संजू वहां है। विजय, संजू नहीं, संजू तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। संजू नहीं, सूरज छोड़ दे। मैंने तुझसे कहा था ना, आज के दिन मेरा भाई मुझसे जरूर मिलने आता है। ये देख, मेरा संजू मुझसे मिलने आया है। संजू, आज तेरा जन्मदिन है ना, मुझसे मुझसे आशीर्वाद नहीं मांगेगा तू? तू बोलता क्यों नहीं है? मुझसे मुझसे आशीर्वाद नहीं मांगेगा तू? आशीर्वाद नहीं मांगेगा तू? सुन संजू, मैं तेरी सौगंध खाता हूं, जिसने तेरी जिंदगी ली है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। Thank you.
चलूंगा। छोड़ो, चलो।
जैसी करनी वैसी भरनी। विजय, बेहतर होगा कि हम इस होटल को अनाथ आश्रम में बदल दें ताकि फादर बरेमलर की आत्मा को शांति मिले। हेलो साहब, अब टनल का रास्ता खुल गया है। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर सूरज, आपने इस होटल को अनाथ आश्रम में बदलकर इन अनाथ बच्चों पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फादर। गुड बाय। गुड बाय। चलो सुषमा। विजय, क्या तुम मुझे अपने घर नहीं ले जाओगे?